उनको किसी ने नहीं रोका है। वो 10-15-20 शादियां और कर लें और बहुत से बच्चे पैदा करें, शहादत के काम आएंगे। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी ने ओवैसी के खिलाफ उगला जहर, विवादित बयान में सांसद पर साधा निशाना। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने हाल में ही मुस्लिम धर्म त्याग कर हिंदू बने। उन्होंने धर्म परिवर्तन के बाद अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी रख लिया। त्यागी ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल किए जाने वाले बयान पर हमला बोला है। दरअसल हापुड़ के असोला गांव पहुंचे जितेंद्र त्यागी ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे जनसंख्या पर नियंत्रण लगेगा। इसको लेकर उनसे पूछा गया कि असदुद्दीन ओवैसी इस फैसले की निंदा कर रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने AIMIM प्रमुख पर तंज कसते हुए कहा कि वो 10-15 शादियां और कर लें और बहुत बच्चे पैदा करें, शहादत के काम आएंगे। इसके साथ ही न्यूज वेबसाइट जनसत्ता.com में छपी रिपोर्ट के अनुसार त्यागी ने दावा किया कि मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं जो आने वाले दिनों में सनातन धर्म अपनाएंगे। सोशल मीडिया पर त्यागी के इस बयान की लोग लगातार निंदा कर रहे हैं और रिएक्शंस देते नजर आ रहे हैं। ट्विटर यूजर प्रदीप अग्रवाल लिखते हैं कि ये सच्चा हिंदू है, मेकअप के मामले में इसने देश के सबसे बड़े हिंदू को भी फेल कर दिया। एक ट्विटर यूजर त्यागी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखते हैं कि टिकट फिर भी नहीं मिलेगा चाहे कुछ भी बदल लो। ट्विटर यूजर सुशील लिखते हैं, क्या बात है, घर वापसी करते ही सीधा असदुद्दीन ओवैसी से टक्कर, ये हुई ना कुछ बात सिंघम वाली। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।